विधानसभा विरोधी दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने शनिवार को नागपुर में मीडिया से बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया टीम को 11 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं थी। विजय वडेट्टीवार ने विधानसभा को लेकर कांग्रेस की बैठक पर बोलते हुए कहा कि यह टेस्ट है। महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई, इस पर चर्चा हुई। मुंबई में होने वाली है तीनों पार्टियों की सभा। हर पार्टी अनुमान लगा रही है। निर्दलीय लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। महाविकास आघाड़ी ही चुनाव लड़ेगी। असे चाचपणी आहे। कालच महाविकास आघाडीची आमची बैठक झाली। पवार साहेब, उद्धव साहेब, आम्ही सगळे काँग्रेसचे तीनही पक्षाचे प्रमुख लोक उपस्थित होतो आणि काल यावर चर्चा झाली आणि लवकरच आमचा तीनही पक्षाचा एक सगळ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्याची चर्चा सुद्धा आम्ही काल केली। ते तारीख आणि स्थळ मुंबईत असणार आहे। ते तारीख आम्ही कळवणार आहोत। त्यामुळे आमची आघाडी आहे, आघाडी मजबूत आहे। आघाडीमधूनच आम्ही निवडणूक लढणार आहोत। प्रत्येक पक्ष आपापल्या पद्धतीने अंदाज घेत असतो, त्याचा तो एक भाग आहे। इथे स्वतंत्र लढण्याचा कुठलाही संबंध नाही आणि सध्या तरी आम्ही आघाडीमधूनच चर्चा सुरू आहे आणि आघाडीमधूनच निवडणूक लढायचं। महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक लढेल हे आमचं आता ठरलेलं आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता नवाब मलिक अजित पवार के बैठक में दिखाई देने पर वडेट्टीवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को खुलासा करना चाहिए। अगर सिर्फ माताओं के लिए काम है तो बताना चाहिए। चुनाव की सूरत में बीजेपी के लिए सुविधा का काम इस्तेमाल करो और फेंक दो, तो बीजेपी का काम है। देवेंद्र जी ने संदर्भात खुलासा केला पाहिजे। उपमुख्य आपले भाजपचे नेते की त्यांना हवा आहे की नको आहे। केवळ ज्या मलिकांचा वापर मतासाठी करायचं ठरवलं असेल तर ते स्पष्ट केलं पाहिजे। आता विधान परिषदेच्या निवडणुका आहेत म्हणून मलिक तिकडे बसले असतील आणि तिकडे त्यांना घेतलं असेल तर मतासाठी घेतला आहे। म्हणजे भाजपाला सोयीचं काम चालतं काय? वापरा आणि फेका त्यांची वृत्तीच आहे। भविष्यात ते दिसेल। पण आज जे अभद्र सगळे भ्रष्टाचारी जमा करून सत्ता स्थापन केली त्यावेळेस गोड वाटलं का या सगळ्यांना? आता फळ खाताना आता मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर यांना तीच फळ कडू लागायला लागली, असा त्याचा अर्थ होतो। शिवसेना के सांसद रविंद्र वायकर को मिले क्लीन चिट पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में बीजेपी धोकर साफ कर देती है। पहले आरोप लगाते हैं, फिर उनसे सफाई करते हैं। तो भाजप मध्ये जाईल तो स्वच्छ होऊन बाहेर येईल, हा नाराज आहे। त्यांची वॉशिंग मशीन एवढी आहे। वॉशिंग मशीन भाजपाची आहे। कमल हा पावडर आहे, त्यामुळं कमल छाप पावडर टाकला आणि मशीनमध्ये घातलं भाजप मशीनमध्ये की तो माणूस धुवून स्वच्छ होऊन बाहेर निघतो। हे आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे, त्यात काही फार नवीन आहे असं नाही। म्हणजे आरोप करायचे आणि सोबत घ्यायचं आणि सोबत घेऊन त्यांचे सगळे प्रकरण संपवून टाकायचे। पुणे में महिला ट्रैफिक पुलिस को जलाने की कोशिश की गई। इस मामले पर बोलते हुए विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पुणे के मामले में अब सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए, गृह विभाग को आत्ममंथन करना चाहिए। महिला अधिकारी को दिन में जलाया जा रहा है। आता आत्मचिंतन करावं। गृह खात्याने, गृहमंत्र्यांनी कायदा सुव्यवस्थेची काय स्थिती आहे, किती बिकट झाली आहे आणि किती भयावह झाली आहे। दिवसाढवळ्या अधिकाऱ्यावर जर पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न होत असेल पोलीस अधिकाऱ्यांचा, दिवसाढवळ्या तरुणींना रस्त्यावर पेटवलं जातं, मारलं जात असेल तर हे राज्य हे आता कायदा आणि सुव्यवस्थेचा लवलेशही राहिला नाही राज्यात। ही परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे। शुक्रवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उनकी विचारधारा है, नतीजे के बाद टीम की जरूरत होगी। नहीं चांगले ते शेवट आहे तर विचारधारा तीच आहे ना। ज्या विचारधारेशी ते जोडले आहेत त्यांची मदत लागते। जरा नशा आली होती मधामध्ये डोक्यात दिल्लीतल्या काही नेत्यांना की आम्ही भारतीय जनता पक्षाला आता संघाची गरज नाही, पण आता निकालानंतर पुन्हा संघाची गरज पडली असेल तो त्यांचा अंतर्गत विषय आहे। पण विचारधारेवर जो पक्ष ज्या उभा आहे त्याच्याबरोबर त्याच्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही आणि तो विचार म्हणजे मनुस्मृती जपणाराच विचार आहे। तो बहुजनावर लादून निवडणुका जिंकण्याची स्ट्रॅटेजी ते उत्तम करू शकतात, त्याचा तो एक भाग आहे। वर्ल्ड कप जीती टीम इंडिया को राज्य सरकार की ओर से बख्शिश की घोषणा की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को 11 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं थी। क्रिकेटर पैसे के लिए नहीं, देश के लिए खेलते हैं। यह अच्छा है कि मुंबई के खिलाड़ियों को 1 करोड़ का इनाम दिया गया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए। वो वर्ल्ड कप जीत के आए और उनको भी तो बहुत पैसा मिला है। देखो, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीत के जाते हैं तो बैग उठाकर घर में जाते हैं, पर हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स स्पिरिट बहुत अच्छी है। खेल के प्रति एक अच्छा लोगों में उत्साह है। कल आपने मुंबई में परसों के दिन देखा कि करीबन 8-10 लाख लोग मुंबई पर रास्ते पर स्वागत के लिए उतरे थे। उनके भावनाओं का कदर करते हुए सीएम ने घोषित की होगी, पर अब उनका ऐसा है, चुनाव के पहले ये सब कुछ करके तिजोरी खाली तो कर दो, पर खाली करने की हमको ये उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जो देना था उन्होंने दिया है। हम वही 11 करोड़ के जगह वो महाराष्ट्रीयन खिलाड़ी जो चार थे उनको तो 1-1 करोड़ उन्होंने घोषणा की थी, तो बाकी लोगों को देने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत पैसा मिला है क्रिकेटरों को। वो देश के लिए खेलते हैं, पैसे के लिए खेलते नहीं है, तो पैसा क्यों दे रहे? जो देश के लिए खेलता है करके बोलते हैं, तो पैसों के लिए नहीं खेलते तो उनको देने की ज़रूरत क्या थी? तो अपनी खुद की पीठ थपथपाने के लिए, खुद का नाम बड़ा करने के लिए ये काम किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, खापरखेड़ा।